आज की इस कंपटीशन भरी दुनिया में क्रिकेटर बनने की चाह रखने वालों की कोई कमी नहीं है, और खासकर भारत में जहां क्रिकेट को पूजा जाता है और हर धर्म के लोग इसे अपना धर्म मानते हैं। तो ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि क्या क्रिकेट में आज भी कोई आम इंसान अपना करियर बना सकता है? क्या आज के इस कंपटीशन के दौर में भारतीय टीम में खेलने का सपना देखना जायज है, या फिर इसमें सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होगी? दोस्तों, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, और जो रियलिटी और फैक्ट है वही बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि एक सही वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। दोस्तों, आजकल भारत जैसे देशों में क्रिकेट का इतना बोलबाला है कि लोग पागल हैं इसके पीछे, इसकी दीवानगी का कोई हद नहीं है। करोड़ों बच्चे क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं, पर उनमें से गिने चुने ही बच्चे उस सपने को पूरा कर पाते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या आपको क्रिकेट में कदम बढ़ाना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए आपको अपने लाइफ में? दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन पर कि अभी आप किस हालात में हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि क्रिकेट यानी कि रिस्क, और रिस्क तभी लिया जाता है जब आपका कंडीशन सही हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास पर्याप्त समय है और आपके ऊपर किसी तरह का दबाव या फैमिली प्रेशर नहीं है, तो आप क्रिकेटर बनने की ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका एज 18 साल से नीचे है तो भी आप क्रिकेटर बनने की सोच सकते हैं। अगर आप मेहनत करना जानते हैं और आपके पास वो जुनून है कि हमें क्रिकेट के अलावा कुछ और नहीं करना, तो भी आप क्रिकेटर बनने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है और अभी तक आपने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया है, तो ये सफर आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। अगर आपका फैमिली कंडीशन सही नहीं है या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो पहले आप अपने लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आप पैसे कमाने का आइडिया ढूंढिए, इसके बाद आप क्रिकेटर बनने की सोचिएगा। क्योंकि दोस्तों, क्रिकेट में काफी पैसा खर्च होता है, और अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप आगे बढ़ने के बारे में मत सोचिए। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि क्रिकेट में पैसा कहाँ पे लगता है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आप एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको अच्छी खासी फी देनी पड़ती है, और अगर आप घर से एकेडमी जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप अगर रूम लेकर के या फिर हॉस्टल में रहकर एकेडमी जाते हैं तो आपको इसके लिए भी पैसे मैनेज करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ खाने का भी। और खासकर जब बात आती है एक अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे डाइट की, तो इसमें आपको खर्च करना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको अपना पॉकेट गर्म रखना ही होगा, और दोस्तों, इसके लिए अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद इसके लिए मेहनत करना होगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी आपने यशस्वी जायसवाल के बारे में जरूर सुना होगा, और भी न जाने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरह से अपने आप को साबित किया है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, पर फिर भी उन्होंने अपने दम पे अपने आप को साबित करके एक अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनाया है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को एक सही मायने में क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद का भार खुद संभालना होगा, क्योंकि एक समय बाद आपकी फैमिली भी आपको जवाब दे देगी। दोस्तों, एक सवाल मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था कि इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन के दौर में क्या क्रिकेटर बनना पॉसिबल है, तो मेरा आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि आप जिससे कम्पीट कर रहे हैं या फिर जिससे आपका कंपटीशन है, वो कोई एलियन नहीं है, वो भी एक आम इंसान ही है। पर बात यही है कि वो अपने आप को किस तरह से देखता है और आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, और मैंने खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस किया है, कि क्रिकेट में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छा परफॉर्मर नहीं बन सकते, और जब आपका परफॉर्मेंस ही सही नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास भी कॉन्फिडेंस की कमी है और आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको वीडियो के अंत में इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं, ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा, और आप समझ पाओगे कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, एक क्रिकेटर के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होता है वो होता है उसका कमिटमेंट, यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा खुद की काबिलियत पर भरोसा करके अपने किए गए कमिटमेंट पर अड़े रहना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको भी पता है कि क्रिकेट तो एक दिन का खेल है नहीं, और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि क्रिकेटर बनने के लिए या फिर एक अच्छे लेवल पर खेलने के लिए सालों तक मेहनत करना पड़ता है, और इसके लिए आपको खुद पर भरोसा और लगातार कठिन मेहनत करने की जरूरत होती है। दोस्तों, क्रिकेटर वही बनता है जो कभी हार नहीं मानता। हार मानने वाले कभी सफल नहीं हो पाते। आप किसी भी खिलाड़ी का हिस्ट्री उठाकर देख लो, उन सभी खिलाड़ियों में एक चीज कॉमन मिलेगा, वो है उनका स्ट्रगल। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, पर शर्त यही है कि जितना अच्छा फल आपको चाहिए उतना ही ज्यादा आपको मेहनत और मशक्कत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस साल आप खुद से वादा कीजिए कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और हाँ, अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है कि आप क्रिकेटर बन पाओगे या नहीं, आप अभी भी दुविधा में हैं, तो आप क्रिकेट छोड़ दो, कोई फायदा नहीं ऐसे टाइम पास करने का। दोस्तों, क्रिकेटर बनने के लिए या फिर किसी बड़े लेवल पर खेलने के लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपको जब खुद पर भरोसा नहीं है तो आप दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेकिन अगर आप इस बात को लेकर सीरियस हो तो आप समय बर्बाद मत करो, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो।
और आप हमें कमेंट में ये लिखकर जरूर बताओ कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और वीडियो के अंत में मैं आपका एक डॉट और क्लियर कर दूं कि कंपटीशन चाहे जितना बड़ा हो, आपको लोगों को नहीं खुद को देखना है, लोगों से नहीं बल्कि हर दिन आपको खुद से कम्पीट करना है। और अगर आप खुद से जिस दिन कम्पीट करने लगे तो आप बाकी लोगों को कब पीछे छोड़ दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने के लिए मिला होगा, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने टीममेट्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए खेल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस वाला वीडियो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।